अपन ठीक है, वी आर लाइव, आई थिंक. आर वी लाइव? हाँ, आ गया आ गया. यो बढ़िया. यो 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 यो. हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू द चैट, वर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पार्ट. ओके, इन दिस में थंबनेल लगाया भाई. ओए थंबनेल का लगाया, ये क्या थंबनेल है? बढ़िया थंबनेल है. अच्छा अच्छा, थंबनेल सही है ना? मुझे लगा गलत लगा दिया. बढ़िया बढ़िया थंबनेल है. ऐसे थंबनेल अपनी मजा आया, बोलो थंबनेल कितना मजा आया बताओ. बिजनेसमैन की बहुत डिमांड थी, इसलिए हम बिजनेसमैन को वापस ले आए हैं. लोग हमेशा चैट में लिखते हैं, अरे यार बादल द बिजनेसमैन. मैं बताऊं, चैट की मत सुना करो, बहुत फैला हुआ बिजनेस वाले तो कुछ भी लिख देंगे. बिजनेस नहीं, बिजनेस लिखते हैं वो, कुछ इंटरनल बिजनेस नहीं आता अपने को. बिजनेस आता होता तो आज अपन कहाँ पहुंच गया होता. एमबीए करके बैठे हैं लोग, ऐसे थोड़ी उठियो चल रहा है. बिजनेस देखो, एमबीए में चार सेम होते हैं, ठीक है? हमारे चार में से तीन मैंने ऑनलाइन एग्जाम देके निकाले, तो तुम सोच लो मेरे कैसा एमबीए किया होगा. उस टाइम ऑनलाइन, यस, कोरोना के बीच की बात है या पहले की? यस, तो देखो 2000 अप्रैल 2020 में सेकंड सेम था मेरा. अच्छा, फिर तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. वही ना, तो 6 महीने हुआ ना, 6-8 महीने हुआ एमबीए खत्म करके, वो भी सब ऑनलाइन ही दिया है. इतना जो मैं बोलूं सुकून था ना भाई. बढ़िया यार, जिंदगी सही कट गई तुम्हारी तो. अरे काय की सही कट गई, मैं एमबीए गया था कि थोड़ी मतलब कॉलेज लाइफ जीने मिलेगा मेरे को. और अब बता रहा हूँ तो पूरा बोल देता हूँ, किस्मत देखो मेरी. एमबीए एडमिशन जब चालू होने वाला था ना, ठीक है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 100 साल में जितना पानी नहीं लगा था, ठीक है, एक नदी जाती है, 100 साल में जितना पानी लगा था उतना लगा था उस साल, तो उसके वजह से 2 महीने डिले हो गया था एडमिशन. हाँ, और फिर जब चालू हुआ तो 4-5 महीने हम लोग कॉलेज गए, उसके बाद लगा कोरोना, फिर 1.5 साल घर में बैठ के निकल गए. और कोरोना से पहले एक वो फेज भी था ना, जब इंटरनेट बंद हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे, वो जस्ट कोरोना से कुछ महीने पहले की बात है. उसका नहीं, उसका मतलब एमबीए पे इशू नहीं आया था, उसका मैं आराम से था 4 महीने कॉलेज जो है एमबीए का निकाला, उसके बाद सब कट गया यार, बहुत गंदा. क्योंकि मतलब करने की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे भी, यूट्यूब से ओके ओके आ रहा था इनको. पता होता अगर 1.5 साल घर पे बैठ के निकालने तो नहीं किया था मैं. छोड़ो, ठीक है, एमबीए भी हो गया, YouTube भी बढ़ गया. YouTube भी पड़ा तो नहीं, जाके ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी 15-20 हज़ार की, तो ठीक है. ओके, एपिसोड पर आते हैं. रजत सर, आप कुछ कह रहे थे, इस बार ढंग से डिस्कस करेंगे, ढंग से डिस्कस कीजिए. क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा चैट में, डोंट यू थिंक मिकासा वाज टू क्रूएल ऑन, क्या है वो, लाउस, लाउस नाम, क्या प्रोनाउंस करते हैं, आराम से आएंगे सीक्वेंस. मिकासा वाज क्या, मिकासा वाज टू क्रूएल ऑन लाउस. अरे वो लड़की जो बेड पे लेटी हुई थी, उसका स्कार्फ लपेट पे. हां वही वही, तो उसके साथ वो बहुत ज्यादा रूड थी क्या? देखो मेरे को लगता है मिकासा इज अ बिच. व्हाट, शी इज अ बैडएस. वही, उसको उसको एरन और एरन का स्कार्फ, इसके छोड़ के दुनिया में कुछ लेना देना नहीं. वो बंदी बोल रही है कि मैं, मुझको कोई रिग्रेट नहीं है, मैं तुम्हारे इस मतलब, मूड के रास्ते भी नहीं, वो चले जा रही है, चले जा रही है. बोलती रहे. अरे ये फिर से गया यार.
ये नहीं रुकने वाला, आज अपन दोनों ही इस मस्ती करेंगे। इन बादल वही इन कैंसिल कंफर्म। क्या, अच्छा मेरे को कैंसिल करोगे? अच्छा है ना, कर दो। आजकल कोई भी कैंसिल हो जाता है, ब्रा क्या बोला, मोमेंट क्या हिचके बोला? साथ। अरे अच्छा हाँ, हिच के साथ तो ब्रा मोमेंट हो गया। भाई केक लेने भेजा, आई तो गायब। ओ वही, और मेन स्टोरी से काट दिया उसको, फिर से साइड में पूछा। ये देख रहे हो, ये इनके कारण लेट हुआ, ठीक है, 1 घंटा रजत भैया लेट ऐसे ही कर रहे हुआ। थे, ये वही सबको बुलाया खुद गायब। मिया खलीफा और मिकासा। तुमने वैसे आज वीडियो डाली होगी ना? डाली होगी, मैं अरे यूट्यूब उतना मेरा चेक नहीं मेरा क्या करता। हुआ, 7 बजे वीडियो बन के रेडी है मेरा, ठीक है, 7 या 6:30 बजे। और मेरे को याद है मैंने किया था, डन किया था, लेकिन ये नहीं देखा मैंने कि पब्लिक के बदले अनलिस्टेड है, और मैं सोच रहा हूँ वीडियो हो गया है मेरा। और फिर जब मैं दूसरा मेन चैनल का डाला तो उस पर कॉमेंट आने लगा, अरे एनिमे अटैक ऑन टाइटन का तो डाल वीडियो। तो मुझे लग रहा मैंने वीडियो तो डाल दिया, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे। फिर जाके चेक करो तो अनलिस्टेड है वो। बताओ। बोलो फिर, 9:30 बजे एक डाला, 10:30 बजे एक डाला वो। 10:30 मतलब अभी अभी डाला है? हाँ अभी जस्ट उसका 10:30 नहीं, ये आने इधर आने से पहले कितने बजे आया मैं? 9:30 हुआ होगा। मैंने हाँ मतलब वही उसके आसपास डाला है, 10:30 तो अभी बज रहे हैं, यहाँ आने से पहले, लाइव स्ट्रीम आने से पहले। बताओ, या इंतजार करते हैं कब वीडियो बनेगी, कब डालेंगे। बंदा वीडियो बना के भूल गया, इतनी हाँ वीडियो हो गई। ओके वही है। वर्स एक्स अरुण भाई, आज खुश लग रहे हो? हाँ भाई, जिंदगी थोड़ी ट्रैक पे ला रहे हैं धीरे धीरे। आज कब तक दुखी मिकासा की बात हो रहेंगे? रही है ना, इसलिए खुश है वो। आनी भी तो आई। अब मैंने एक छोटी छोटा सा डिटेल नोटिस किया कि एकदम आज के एपिसोड के लास्ट में जब वो लोग राइनर को जगाने जाते हैं तो आनी जगाती है ना उसको, वो लात मार के जगाती है, देख बेस्ट मोमेंट ऑफ द एपिसोड। पैर से उठा रही है उसको, उठ उठ कोई कोई बंदा आया। इज्जत ही नहीं। बंदा कितना पुराना कलीग है, साथ में ट्रेनिंग करी सब कुछ, कोई इज्जत ही नहीं। उठ साले, सो रहा है 2 दिन से। वेलकम एक दिन रजत को भी ऐसे ही लात मार के उठाऊंगा। बैक, वेलकम बैक, सब लोग चैट में लिखो वेलकम बैक, ठीक है, वेलकम बैक स्पैम होना चाहिए। क्या हुआ सर, मिकासा के बारे में बोल दिया तो बुरा लग गया क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? मिकासा के बारे में बुरा नहीं लगा हाँ ना? तुम सुनो, नहीं एक नहीं नहीं तुम्हारे माइक का और इनपुट नहीं है शायद, ये वो डिस्कॉर्ड में जाके चेक कर लो। अच्छा इनका रजत का लिंक क्लिक देखो यार प्लीज। हाँ नहीं यार थोड़ी नहीं जिंदगी देखो ना। इसका ही इनपुट है माइक का, ठीक है अभी ठीक आ रहा है, थोड़ा बेटर है मैंने अभी। थोड़ा नजदीक लाया तो अच्छा आ रहा है। और नजदीक ले लो और अच्छा आ जाएगा। थोड़ा और बस। राजू पैक टेक्निकल प्रॉब्लम्स। हाँ भाई बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई है यार आज, और सारी मुझे फेस करनी पड़ी है इसलिए। आज का पूरा जिम्मा रजत के ऊपर सौंपा हुआ है, किसी ने कुछ मदद नहीं करी। यस अच्छा मैंने एक चीज नोटिस की, मतलब दोनों दो दो केसेस थे। जब जब हांजी खुद से बात कर रही थी तो लीवाई सुन लेता है, इवन दो उसको कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए। कौन ही बात करता है तो फाल को सुन लेता है, तो तुम सो क्यों रहे हो जब तुम्हें सब सुन नहीं है। हाँ दोनों दोनों जगह। और एक चीज और, कोनी ने, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ मतलब एटलीस्ट ऑन स्क्रीन कुछ बोला था रागा को के बारे में, विलेज के बारे में, बट स्टिल फाल्को उसको फाल कहता है कि मैंने बोलते हुए सुना।
मे बी ऑफ स्क्रीन और ऑफ मे बी स्क्रीन, अपना वही ऑफ स्क्रीन। इमेजिन कर लेते हैं ऑफ स्क्रीन हुआ होगा, कोनी ने बोला होगा, क्योंकि कोनी ज्यादातर टाइम तो मन मन में सोच रहा था, उसने बस एक दो चीजें बोली थी जैसे हाँ उसने सिर्फ ये बोला था साशा वुड यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील, जो वैसे काफी अच्छी डिटेल है क्योंकि कोनी और साशा आपस की आपस में काफी बनती थी, ही वुड एक्सपेक्ट समवन लाइक साशा टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। उस वही अगर फाल्को के बदले वो होती ना, क्या मैं नाम भूल गया उसका, गाबी, हाँ गाबी होती ना तो एक्चुअल में खिला देता उसको, जा गो डाई, फैंस उसको सपोर्ट भी करते फिर कोनी को, वही डाई। लेकिन मतलब मैंने अपनी वीडियो में बोला कि वो उसका सोल्यूशन क्या था कि बिना फाल्को को जबरदस्ती किए उसको मुंह में कैसे खिलाओ मैं उसको, तो जा दांत साफ करके, टाइटन के दांत साफ करने की जरूरत क्या है, लॉजिक नहीं समझ आया मुझे वो कितनी इलॉजिकल। अच्छा मांगा का याद है क्या, वो चढ़ने लग जाते हैं क्या ऊपर साफ करने के लिए? नहीं यार इतना नहीं डिटेल में याद है, मैंने कब रीड किया था जब लास्ट सीजन आया था तब। रजत सर क्या हो रहा है, इतना क्यों नहीं? नहीं याद नहीं मुझे। अरे यार वो फैन चला रहा हूँ तो रुको मैं बंद करता हूँ, गर्मी में पड़े रहना पड़ेगा। गलत गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है ऑडियंस पे, वही ऐसे ऐसे ये फिर से गायब हो गए, बंद करने गए। क्या लिखे है चैट में ब्रो, जस्ट अ सजेशन, ऐड योर एंड बादल फोटो इन थंबनेल और एंगेजमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, रजत के घर बादल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हम, रजत के घर में रंबलिंग हो रही है। नाइस वन। अच्छा रंबलिंग से वो वाला सीन मुझे याद आया, मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या, मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूं? अच्छा ये काफी देर से बंदा कॉपी पेस्ट कर रहा है, रॉड रीज ने स्पाइनल फ्लूइड पिया तो वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया टाइटन पर, जब एल्डियन वाइन पिए जिसमें स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था तो वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, बाद में हुए जब जीक ने स्क्रीम किया। अब इसका तो देखो अपने में ही वही अपन जितना अपने को ऐसे रास्ता निकालना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ करके, उसने मतलब डायरेक्ट स्पाइनल फ्लूइड ही चाटी थी ना लाइक रॉ फॉर्म में, और इसको ने कैसे दारू में मिला के दिया था मैं भी शायद नहीं, अगर तुम इसको दूसरे तरीके से भी देखो तो ग्रीशा को और उसके जो भी साथी थे उनको जब इंजेक्शन दिया गया था वो भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब उसके लिए किसी को स्क्रीम करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ट्रिगर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वहाँ के केस में ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है वो दोनों स्पाइनल फ्लूइड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि मार्ली की जो टाइटन साइंस है वो इवॉल्व है, और ऐसा क्लियर है क्या वैसे जो एल्डियंस हैं उनके पास वो इंजेक्शन कहाँ से आए हैं? नहीं ये नहीं क्लियर अपने को बताया, क्या चीज कहाँ से आए हैं एल्डियंस के पास जो इंजेक्शन थे जो बिल्कुल वो वही ये क्वेश्चन मुझे पड़ा था ना जब अपने को कौन से सीजन में रिवील किया था यार, मतलब एरन को पकड़ लेते हैं वो लोग वॉल के अंदर ही ना, सीजन थ्री में था पहाड़, सीजन थ्री पार्ट वन में था, फर्स्ट हाफ में था शायद, वो कैनी वगैरह झगड़ा करते हैं, हाँ सही है उसमें, तो तभी मुझे क्वेश्चन आया था कि ये लोग जब 100 साल से यहीं पे बंद हैं तो इनके पास ये इंजेक्शन वगैरह आए कहाँ से, मतलब इंजेक्शन और फ्लूड आ कहाँ से रहे। अपना देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, मे बी समवन फ्रॉम मार्ली, मतलब इन लोगों को पता था ना इन द एंड के बाहर भी ऐसा है, मार्ली से नहीं आ सकता है वैसे, वही वो थोड़ा क्योंकि टाइटंस तो घूम ही रहते ना वॉल के बाहर पूरा। तुम कौन से इंजेक्शन की बात कर रहे हो? एल्डियंस के पास थे कुछ कुछ इंजेक्शंस थे उनके पास जो वो लोग 100 साल से कैसे मतलब ये कर रहे थे, एल्डियंस के पास कौन से इंजेक्शंस थे? थे ना वॉल के अंदर, देखो वॉल के अंदर 100 साल से थे वो लोग कैद, ठीक है, तो नेक्स्ट सक्सेसर वो लोग कैसे करते थे वो प्रोग्राम, किसी को तो इंजेक्शन देना ही पड़ता था ना,
पैटर्न में कन्वर्ट करके फिर वो प्रीवियस ओनर को खाएगा। नहीं नहीं वो तो फिर रॉयल ब्लड के पास रहता है ना, रॉयल फैमिली के पास ही रहता होगा। तो वो आई थिंक जो एल्डियंस का है वो अलग तरह का है, वो फाउंडिंग टाइटन के पोजीशन में है और वो उसी के उस स्पाइन से बना हुआ, वही फाउंडिंग टाइटन के बना हुआ। हां क्योंकि एल्डिया जो एम्पायर है वो 100 साल से सेल्फ सस्टेन्ड था, बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं था वहां। और जो मार्ले का है उसका एडवांस है, वो जीक वाला है और जीक के पास उसका कंट्रोल है, काइंड ऑफ एक्सप्लेन नहीं है बट उनको तुम दो डिफरेंट फ्लूइड्स की तरह ट्रीट करो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं। ये क्या बोल रहे, जीक तो नीचे पड़ा था एरन के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम, तो खत्म हो गया होगा? नहीं नहीं क्योंकि तुम मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं ठीक है। जब एरन रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म होता है उस एपिसोड में दिखाया है ठीक है, एरन का सिर कट गया होता है और वो जो भी है स्पाइन जैसा लगता है ना, एकदम ब्रीफ मोमेंट के लिए ना वो एरन ऐसे ग्रैब कर रहा है उसको, ऐसा दिखाया है ब्रीफ मोमेंट के लिए एरन जो है वो जीक को ग्रैब कर रहा है। तुम लोग है ना पॉज कर करके देखना उस सीन को, देख सकते हैं, अभी नहीं देख सकते हैं। ओके एक सुपर चैट मिस हो गया यार। ओहो कुछ मुझे एक भी नहीं दिखी अभी तक। वंश मोटवानी थैंक्स फॉर द सुपर चैट, 20 रुपए के समोसे खाएंगे हम। 20 में 30 टका कट कर लो ना, 30 टके का YouTube खाएगा समोसा। तरुण भाई डीमन स्लेयर वाली वीडियो बहुत मस्त थी, बंदा स्पैम कर रहा है बहुत टाइम से, देख एकदम यहाँ से निकाले थे वीडियो यहाँ से। तुमने देखी क्या? हाँ देखी मैंने। अरे हाँ तरुण अपना कैमरा थोड़ा मतलब ठीक करना क्या? अरे क्या भाई कुछ नहीं आ रहा तुम्हारा, तुमको सही दिख रहा है? हाँ ठीक है ना, ग्लिच पूरा ग्लिच है यहाँ, स्ट्रीम में ग्लिच दिख रहा है, स्ट्रीम में ग्लिच दिख रहा है। ठीक है ठीक है अभी ठीक दिखेगा। क्या करा हुआ था? ठीक है ना, कुछ नहीं करा हुआ, हो रहा है वो अंकित का भी हुआ था बीच में, अभी हुआ, अभी हो गया। मुझे अच्छा हाँ मैं क्या पूछना था, 4 एपिसोड बचे हैं बस। और ये जितना पास आ रहा है ना मुझे लग रहा है कि मूवी पे जाएंगे लोग शायद। क्या लगता है जाएगा मूवी? जाना ही पड़ेगा अदरवाइज पार्ट 3। अरे फिर भी पार्ट 3 ठीक है, मूवी का मुझे कैसा लगता है ना, मूवी अगर उन्होंने की तो अपने को देखने बहुत लेट मिलेगा वो। पहले जापान में करेंगे, फिर वेस्ट में जाएंगे, फिर साउथ ईस्ट जाएंगे, उतने में तो लीक हो जाती है वही। उसका लेकिन थिएटर प्रिंट आता है ना, या उसका अच्छा वाला क्वालिटी लीक हो जाता है? नहीं थिएटर में नहीं देखता, आ जाता है पर मैं नहीं देखता जब तक एटलीस्ट वो डिजिटल क्रंचीरोल वगैरह पे कहीं ऐसा डिजिटली रिलीज ना हो। ब्लू रे स्टिल मतलब अगर डिजिटल है और ब्लू रे है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं ब्लू रे का ही वेट करूं स्पेसिफिकली, डिजिटल काम चला लेता हूं मैं। एनीमे का भी तो ब्लू रे आता है, हम लोग कौन सा ब्लू रे का वेट करते हैं। हाँ तो वही है, लेकिन हाँ लेकिन अगर थिएट्रिकल रिलीज हो सकती है तो मैं तो उसका वेट करूंगा भाई बिल्कुल। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें फिर सबसे लास्ट में अपने को देखने मिलेगा, पहले जापान फिर वेस्ट जाएगा वो, फिर यूरोप, फिर जरूरी नहीं है वेस्ट से पहले भी आ जाती है इंडिया में तो। हाँ टेनकिनो को अपनी वेदरिंग विद यू पहले आई थी यहाँ पे, बाद में जापान में रिलीज हुई थी। उस टाइम पे मैं एकदम नया था ना, मुझे सब बोल रहे थे भाई तू जा देखने के लिए, तो मैं सबसे पहले वही जाके देखा था वेदरिंग विद यू थिएटर में। इंडियन रिलीज सबसे पहला था, जापान से भी पहला था, जापान से भी पहले था। अगर ऐसा है तो फिर आने दो अटैक ऑन टाइटन भाई, पहले आ जाए यहाँ दंगा कर देंगे, जापानीज लोग सरप्राइज हो जाएंगे इतना पैसा कमा लिया हमने। नहीं उसकी ऑडियंस भी है, अगर थिएटर में आया ना तो लग रहा है कि लोग जाएंगे देखने के लिए। क्या लगता है जाएंगे लोग? तुम जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, भी जाएंगे और लेके जाएंगे पूरी फौज को। सही है, बस साल भर का वेट ना करवाया उसके लिए। बस वे उतना वेट नहीं करवाए, चलेगा जैसे भी है देखते हैं।
मैं शेयर करता हूँ यार, थोड़ा सिक्वेंशियली डिस्कशन चलेगा। हाँ स्क्रीनशॉट्स लेके रखता हूँ मैं। मैं नहीं जाऊंगा, एंडिंग बर्बाद है अबे, होने तो दो एंडिंग होने तो वॉच स्ट्रीम करूं क्या? हाँ अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे ना कि इसे मैंने खुद बोला शायद चेंज कर रहे वो लोग एंडिंग, ऐसा सब कुछ तो था। तुम हेलो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे, तुम्हारी स्क्रीन पे सिर्फ मेरी स्क्रीन दिख रही है या तुम लोग भी दिख रहे हो? सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। मुझे तुम्हारा फाइल मैनेजर दिख। अच्छा वॉच स्ट्रीम करना पड़ेगा। ओके ओके डन आ गया। मुझे एक चीज, आंखें अच्छी बनाई यार। हाँ मतलब ये वाली में तो फिर भी डिटेल कम है, एक टाइटन वाली आंख है वो दिखाऊंगा आगे, वो काफी अच्छा है वो तो... उसकी माँ देख ना खाने का काटने का। हाँ हाँ वही 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 नजर से। हाँ ये जब अपने मतलब साथी सोल्जर्स को मारती है गन से तब रो रही होती है ना। हाँ मुझको ये डिटेल अच्छा लगा, मतलब लाइफ ऐसे पॉइंट पे आ गई है जब इसको अपने ही वही जिनके साथ मारना पड़ रहा है, काम करती थी उनको ही मारना पड़ रहा है इसको। बताओ और काफी काफी चीजें ये, एक तो ये तो वही हुआ टॉकिंग टू माइसेल्फ वाला, ये मैंने लेके रखा था। और भी ये काफी बातें बोलती है यार यहाँ पे, यार हम यहीं पे रह जाए मतलब एरन अगर धोखा दे भी दिया उसके पहले वो बोलती है कि मतलब अब तक हम लोगों को बंदी बनाते थे वगैरह, मतलब और आज आज पलट गए, आज हम फ्यूजिटिव्स हैं। वही वही आज हम मतलब भाग रहे हैं। हाँ और ये भी था ना कि अगर एरन एक्चुअल में धोखा दे रहा है जीक को, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद आइलैंड के ऊपर तो कंट्रोल अभी यग्रिश के हाथ में चला गया, तो हमको मतलब यहाँ से आगे भी फ्यूजिटिव की तरह ही रहना पड़ेगा, भाग भाग के जीना पड़ेगा, तो इसलिए यहीं पे रह लेते हैं मैं और लीवाई। लीवाई के साथ इमेजिन करो लीवाई के साथ। मुझको ये पैन ये मतलब सीन काफी इंटरेस्टिंग सा लगा। टाइटन सीजीआई थे और अगर ये सारे इफेक्ट नहीं होते तो मे बी वो स्टैंड आउट करते, मतलब वैसे के अच्छा नहीं है, बट नहीं काफी अच्छा है उस पे मतलब सुंदर बनाया सीजीआई है, फिर भी उस पे डिटेलिंग काफी अच्छी करी हुई है। उसमें भी उतना उन लोग ने हाइड किया फिर भी वो डिटेल्स दिख रही है उसमें, मतलब सुंदर बनाया है जो इफेक्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे, जो स्मोक है, जो एनवायरनमेंट है, काफी सुंदर लगा मुझे। सुंदर नहीं, अच्छा अच्छा यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, टाइटंस के ऊपर जो उनका सीजीआई था अब तक का मापा का जो काम रहा है, ठीक है, वो देख के तुमको लगता है कि विट ने जो सीजीआई यूज किया था कोलोसल टाइटन के लिए, विट के कंपैरिजन में सीजीआई बेटर है? CGI बेटर होगा क्या इस सीजन? वैसा मैं पूछ रहा, पूछने की कोशिश। CGI बेटर है, ऑलरेडी बेटर है। वही क्योंकि अब तक अपने को रमलिंग जो भी दिखाई है ना वो दूर से ही दिखाई है, अभी अपन पास से नहीं देखे उसको, बैकग्राउंड में ही चल रही है। तो विट भी CGI दूर से यूज करता था, क्लोजअप में वो कभी CGI यूज नहीं करता था विट। क्लोजअप में एक्चुअली मापा ने ज्यादा CGI यूज किया है। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, जैसे अभी अभी ये फोटो तुम देख लो, ठीक है, इसमें मतलब बहुत बैकग्राउंड में चल रहा है ऐसे रमलिंग, मेन स्टोरी अपनी अलग चल रही है, उसमें कैसे आपने कोलोसल टाइटन की फाइटिंग दिखाई है ना पहले तीन सीजन में। हाँ नहीं तीन तो सीजन ऐसे, हाँ फर्स्ट सीजन में तो कहीं भी CGI नहीं है कोलोसल टाइटन, सेकंड और थर्ड में है। तो हाँ आगे चल के जब एक्चुअल अपन फोकस करेंगे अभी रमलिंग पे, तब कोलोसल टाइटन का जो CGI रहेगा वो मतलब पहले दो सीजन से बेटर होगा ऐसा तुम्हारा कहना है। अच्छा जो अपकमिंग जो फाइट्स है एंड में, हां उनमें वो तो यार कैसे बता सकते हैं। मापा का वर्क बहुत अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ हो रहा है ना, फर्स्ट सीजन थोड़ा मिड मिड था, अभी सेकंड में तो ये कर दिया इन लोगों ने। CGI फाइट्स ना एक चीज हुई है जो फाइट मतलब ऐसा लगता था ना मतलब हाथ स्लोली जा रहा है, मापा का ऐसे पट से जाता है फाइट, मतलब एक्शन सीन्स काफी मतलब रियल टाइम हो रहे हैं। हाँ, वो नहीं, हाँ तो वही तो बेसिकली एडवांटेज है ना CGI का। वही
और पहले कैसे कैरेक्टर अगर हाथ पैसे लिवाए जा रहा है तो पूरा ऐसे फोकस करके दिखाते थे वो लोग, ऐसा ऐसे 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 कट करके जा रहा है वो, हाँ वो बीस अभी टाइटन दूर वाली से ही फाइट दिखा थी। रहे क्या भाई। हाँ तो वो जो क्रेजी कैमरा एंगल्स थे वो अभी बट बीस नहीं टाइटन है। वर्सेस लीवाई तो बहुत वो बहुत चीज क्रेज किया अपने एक्चुअली आप में। वो चीज एक्चुअली अभी बेटर होनी चाहिए, बिकॉज अभी इन लोग सीजीआई 3D का यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो कैमरा पे उनको एडवांटेज मिलना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं उसका यूज, पता नहीं क्यों। बिकॉज 2D टाइम का में, एडवांटेज भी है ना हाँ टाइम बिकॉज 2D में कैमरा एंगल्स डायनेमिक रखना बहुत ज्यादा। वो ज्यादा डिफिकल्ट हाँ है मेरे हिसाब हाँ से। 3D में हाँ ज्यादा आसान होना चाहिए, बट फिर भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। नहीं नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उतना एक नहीं कर रहे हैं, सीन बिट जितना अभी भी नहीं है वही, वो मतलब हाँ कुछ कुछ अपने सीन्स को। में बिल्कुल हाँ हाँ आउट ऑफ द बॉक्स कर देना वो चीज़ नहीं है। हाँ ये 4th सीजन के अंदर अपने को मतलब जितना दिखा, मतलब जो पोटेंशियल था ठीक है ना, एक्शन सीक्वेंस को एकदम हाइप करके और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बना के दिखाने का, जैसे मैं बोल रहा था ना कि कैमरा एंगल ऐसे हाथ पे अगर कोई मार रहा है तो उसको पूरा फॉलो करके जाना, या फिर वो इसका लीवाई का वो सीन याद आ रहा है सीजन 3 में जब वो केनी के स्क्वाड से लड़ता है, याद है ना। हाँ वो भाई तो मतलब साहब उस टाइप वो का, अपने आप में हाँ तो उस टाइप का फोकस एक्शन सीक्वेंसेस में इस सीजन में तो उतना लगा नहीं। विट की ये खास बात तो थी कि वो कुछ फाइट सीन्स को बहुत एक्सेप्शनली ले गया, जैसे डीवाई वर्सेस वो स्क्वाड और बीस टाइटन वर्सेस लीवाई। हाँ और तो चैट में वो पॉइंट भी किया कि विट हैज मोर टाइम देन पापा, हाँ ये तो अग्री करते हैं भाई। अच्छा विट ने तो विलेन सागा भी दे दिया यार पापा को, बीच में पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, वो मुझे तो बिलीव है, नहीं हुआ पहले वो कि वो चीज नहीं कंफर्म है वो, क्या कि स्टिल रूमर हाँ है? शायद शायद नहीं, कंफर्म है वो, ओके क्योंकि एक एक और आया था कि वन पंच मैन भी वो लोग कर रहे सीजन 3, लेकिन वो रूमर था, वो फेक था, लेकिन इसका विलेन सागा का चलो कुछ शायद भी मतलब बोल रहे ऑलमोस्ट हैं। कंफर्म। हाँ मैं रंबलिंग से यहाँ पे आया था, तो रंबलिंग वाला जो मतलब बाहर रंबलिंग चल रही है और आवाजें सुन यहाँ सुन के सब हिल रहा है, मतलब ये सिर्फ रंबलिंग का नहीं था। यहाँ पे अगर तुम थोड़ा और नोटिस करोगे तो ये सिर्फ मतलब रंबलिंग की आवाज नहीं है इनके लिए, हार की आवाज है। मतलब हार भी नहीं, क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस। हाँ मतलब ये नहीं चाहते हैं कि मतलब ऐसा विनाश हो, ये इनके लिए बट मतलब कुछ बेस कर नहीं वो सकते। क्या कहते हैं यार, होपलेसनेस। लाइक मतलब उन्हीं के लिए, उन्हीं के फेवर में हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज वही इट समथिंग, डजंट फील राइट। वो चीज हाँ उनको लेकर जीना पड़ेगा जिंदगी वही। भर अगर वो और हो गया तो। ये जो आवाजें थी वो मतलब एरन ने सपोज अगर दोपहर को किया था तो मतलब उधर से लेके फिर रात भर और अगले दिन तक, एक रात गया था ना उतने में, है ना, मतलब कितने टाइम तक वो लोग सिर्फ वही आवाजें सुन रहे कि टाइटन्स चल रहे हैं और उनके चलने की आवाजें आ रही हैं, तो इतना देर तक अगर कोई सुनेगा तो सच दिमाग तो खराब होगा ही उसका। भाई मेरे ऑफिस में एयर कंडीशनर लगा है, वो बहुत आवाज करता है, जब वो बंद होता है ना मेरे को बड़ी बड़ी इतना अच्छी फीलिंग आती सन्नाटा, है। बताओ एयर कंडीशनर है वो और यहाँ टाइटन्स और दिमाग सच में खराब हो जाएगा। हाँ यार इसायामा ऑलरेडी वर्किंग क्लोज टू मापा डायरेक्टर्स फॉर द न्यू एंडिंग दैट वी गोना गेट। हो सकता है, अच्छा पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं बोला इसायामा ने, अरे तुम भाई एक जो है ऊपर कंफर्म बता रहा है, एक नीचे बोल रहा है कि ये झूठ है, क्या किसको बिलीव करे। दोनों पे नहीं करना है, इसे हमारे को फोन लगाना पड़ेगा अभी। दोनों पे नहीं करने का है। अच्छा चलो नेक्स्ट फोटो, ये मिकासा एंड का क्या था। एंड हाँ वो सेम ही था, मतलब हाँ क्योंकि अच्छा यहाँ पे वो चीज खाली ऐसा लग रहा है कि वो फिजिकल चीज है, बट इट इज आल्सो समथिंग दैट इज गोइंग ऑन मेंटली। एंड देन देयर इज राइनर, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, सोने दो मेरे को, जब तक आने की लात नहीं पड़ेगी मैं नहीं उठेगा।
जब जब तक हिस्टोरिया नहीं प्यार से उठाएगी मैं नहीं उठेगा. प्यार से कैसे ऐसे वो कपड़ा फाड़ के फिर इसको ऐसे थोड़ा इधर रख के हाँ उठ जा भाई तो ये उठेगा फिर. आई डोंट वांट टू हियर यू यार. इस ये चीज मुझे अच्छी यार. इस पे तुम्हारा मतलब ओवरऑल ओपिनियन क्या है पूरे कॉनी वाले आर्क पे? अपनी मम्मी को बचाने जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टोरी इट इज अ स्वीट वेस्ट ऑफ टाइम. जो चल रहा है बेसिकली डिस्ट्रैक्शन जैसा फील होता है. जब मैं मांगा पढ़ रहा था एटलीस्ट तब तो फील हुआ था. मुझे ऐसा लग रहा है यार उसने मतलब किसी कॉनी के कैरेक्टर को किसी तरह का कंक्लूजन डेवलपमेंट या ऐसा कुछ देने की कोशिश करी विच बेसिकली फेल्ड बिकॉज कुछ ड्रास्टिक फर्क तो पड़ा नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद. नहीं वो तो है लेकिन इसका तुम देखने जाओगे कि वो एक प्लॉट पॉइंट तो था कि उसकी माँ जो है वो जो उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया था कि उसकी माँ टाइटन बनी और अगर नहीं दिखाते वो नहीं दिखाते तो फिर लोग पॉइंट करते कि फिर उसकी माँ का आर्क क्या हुआ. नहीं 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 एक्चुअली कोई केयर नहीं करता टू बी ऑनेस्ट बिकॉज उतना वो उस तरफ कभी फोकस गया ही नहीं पहले स्टोरी पे. ना तो कॉनी के पीओवी से कुछ दिखाया गया ना तो फिर अदर. तो फिर स्टिल मतलब उसको अगर छोड़ भी देते तो इट वुडंट मैटर. कोई नहीं सोचेगा उसके बारे में. हाँ वो है स्टिल इट गिव्स समथिंग लाइक कंप्लीटनेस वो तो है. हाँ और पूरी तरह से फेल नहीं कहूंगा मैं द थिंग मतलब. और यहाँ पे आर्मिन जो था वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी भाई वो सबसे वाहियात मोमेंट है लाइक वो अटैक ऑन टाइटन की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट स्टुपिडेस्ट मोमेंट है मेरे हिसाब से. आर्मिन लाइक नहीं शॉर्टकट तो मार रहा था वो सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट तो मार रहा था कि यही मर जाता हूं मैं. इसने बोला ना कि मेरे को सुनना ही नहीं है तू मुझे पता है तू क्या बोलने वाला है मुझको नहीं सुनना है. तो उसने बोला ठीक है मैं बोलूंगा नहीं मैं करके दिखाऊंगा. हाँ और ये भी था वैसे वो जो लास्ट में हमने डिटेल डिस्कस किया था ना वो जब उसको याद नहीं था ना कि उसको मिल गया है करके. पावर ऑफ जॉ इट जस्ट एड्स टू द वर्ल्ड. एरन को भी तो नहीं पता था ना कि उसके पास अटैक टाइटन की पावर. उसको तो कितना बाद में पता चला. कितना बाद में पता चला यार उसको. बहुत ज्यादा ही बाद में पता चला उसको सालों बाद. हाँ ये आग ये देखो कितनी सुंदर बनाई है. ऐसे मोमेंट के साथ और भी बढ़िया इतना भी मत ज़ूम करो यार उसके माता जी की आंख माँ की आंख ये अच्छा लगा बस मेरे को पता नहीं क्यों काफी अच्छा सा वाइब है इसका. अच्छा चैट में लिखा है क्या लिखा है डेमन स्लेयर वाली वीडियो मस्त थी बट कुछ ज्यादा इंग्लिश झाड़ दिया आपने. क्या 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 डेमन स्लेयर वाली वीडियो मस्त थी बट कुछ ज्यादा इंग्लिश झाड़ दिया आपने. वो अंग्रेजी के लिए बोल रहा है. वो ऐसे तुम जापानीज किस में देखते हो फिर? वो नहीं 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 तुम नहीं 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 वो फिर एनीमे किस में देखते हैं? ठीक है ठीक है. नहीं नहीं डिफेंड मत करो तरुण को. मैं उस कमेंट वाले बंदे के साथ हूं. अरे नहीं मैं भी हूं लेकिन मैं उस बंदे से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं फिर तुम एनीमे किस में देखते हो बताओ. तुम अगर जापानीज में देखते होगे तो सबटाइटल इंग्लिश में होगा. इंग्लिश में देखते होगे तो वहां भी इंग्लिश होगा. चलो ठीक है यार क्या कर रहे हो ये? तुमको देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या चल रहा है क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी स्क्रीन दिख रही है तुम लोग नहीं दिख रहे. अच्छा डेडिकेटिंग माय हार्ट टू चेज़ यार माय हार्ट टू कमेंट कभी नहीं देखा उसने भाई. उसका एक्सप्रेशन देखो यार बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं स्कार्फ लेने आई हूँ बाढ़ में से तो यू डाई हियर. उसके लिए थोड़ा बुरा सा लगा यार. किसके लिए? लड़की के लिए? इसके लिए मतलब मिकासा बेसिकली उसके लिए एक आइडल थी हीरो थी एंड मिकासा डजंट इवन केयर
मैंने बोला ना क्यों ठीक है यार ये इतना अजीब लगा मुझे ये एक तो ये बहुत सडनली होता है, मुझको याद नहीं था ठीक से होने वाला है ऐसा, मतलब ऑल्दो मांगा पढ़ रखी होती है बट याद नहीं था कि ऐसा होगा, वो अचानक से होता है, वो नाम लेता है एंड यहाँ से खांसती थी है एंड कोनीस को देख एक्चुअली ये ना कोनी और इसका सीन, मतलब क्योंकि ये काफी हद तक साशा की तरह खा रही थी तो कोनी काफी ज्यादा वो हाइपर हो जाता है मतलब एक्साइट हो जाता है, हंसने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है अच्छा सीन था ये भी मतलब लेकिन हाँ ठीक है ठीक है कंटिन्यू। आज आज के एपिसोड में मतलब जब मैं देख रहा था तो हंस ज्यादा रहा था काफी ऐसी चीजें थी, ऑल्दो कुछ चीजें इंटेंशनली फनी ना भी हो बट कुछ चीजें देख के अपने आप हंसी आ जाती है। ये देखो क्या मस्त बनाया वही, इसने वही फ्लॉग का क्या काटा है ऐसे फ्लॉग यार गंदा काट दिया ना उसका। अच्छा मुझको ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आया, मुझे भी नहीं याद आया, मैं बता सकता हूँ मुझे बिल्कुल याद नहीं आया कौन है, नहीं स्पॉइल हो जाएगा ना फिर। एक मिनट आगे मेरे को देखो, मेरे को इतना धुंधला धुंधला आगे चल के ना वो जो उधर मारले का कमांडर है, अरे मैं समझा उसके साथ कोई तो कोऑपरेट करता है ना, ये टकला है ना ठीक है। अच्छा ओ वो ये जो उनको सिखाया वो एरन का टीचर होता है पहला वाला, वही क्या हाँ हाँ शेडीज मुझको एक बार में नहीं हिट किया बट हाँ गंजा कोई, हाँ कोई अच्छी क्वालिटी में ज़ूम करके ऐसे देख लेगा तो समझ जाएगा। और आगे चल के वो नहीं आगे का नहीं बात करेंगे। आई विश आई कुड हैव जस्ट कूप्ड अप इन माय रूम विद माय ईयर शट, ये कौन कह रहा है? मिकासा वाज सो हॉट देयर, जॉन कह रहा है क्यों हटाया मिकासा, क्या मिकासा वाज सो हॉट देयर क्यों हटाया, उसी को उसी की फोटो चला देते 2 घंटे की स्ट्रीम में क्यों हटाया, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है इसीलिए तुम गालियां देते। आई विश आई कुड हैव जस्ट कूप्ड अप इन माय रूम, सही है ना। जीन जॉन क्या नाम है उसका, जान ये जो कम पहले भी मार चुके हैं ओ भाई If I had that burnt नहीं, लेकिन सही है, बंदे को जो लाइफ चाहिए थी वो मिल रही थी इसको, लेकिन भी ये छोड़ के आया, मुझ क्यों पता है कैरेक्टर, क्यों पता है आगे चल के इसको कौन मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला है इसको। अरे नहीं यही रहता है ना, मतलब ऐसे क्लियरली बताया नहीं बट मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लिया क्योंकि नदी काफी सुंदर दिख रही थी। हाँ एग्जैक्टली पानी वहाँ पे इस वाले सीन पे बड़ा सुंदर था, बहुत सही अच्छा ड्रॉ किया है बाकी। हाँ अच्छा लात मार के उठा रही है इसका स्क्रीनशॉट अलग से लिया है, सिर पे लात मारा है उसने ऐसा नहीं कि कंधे पे मार के उठा रही। राइनर पे तरस सा आता है यार, मतलब चांस सोने भी नहीं दे रहे बेचारा ना चैन से मरने देते हैं ना चैन से लड़ने देते हैं। अच्छा यहाँ पे जब बंद क्यों कर दिया, हाँ बताओ बताओ, यहाँ पे कहता है कोनी टू सेव द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू सेव द वर्ल्ड, मतलब तुझे 5 साल पहले तक पता भी नहीं था कि वर्ल्ड जैसा भी कुछ है बाहर और तू कह रहा है कि टू सेव द वर्ल्ड, मतलब कुछ सेंस बनाती है फिर वो चीज। आज तो पता चल गया ना उसको, आज तो पता ना वर्ल्ड क्या है, बंदा कुछ मिनट पहले अपनी माँ को बचाने जा रहा था, छोटे से बच्चे की जान लेने जा रहा था, जिंदा खिलाने जा रहा था उसको, या अभी दुनिया बचाने की बात है। लेकिन अब तुम देखोगे ना इस एक फ्रेम में 3 टाइटन है, 4 टाइटन है, 1 2 3 4 हाँ 4 है ओके, लेफ्ट साइड पे 4, हाँ राइट साइड पे 4 है ठीक है, राइट पे 4 टाइटन और मतलब 2 एक्रमैन, एक मिकासा और वो भाई साहब कौन एक्रमैन है ना, लीवा है ना, अच्छा लीवा इधर नहीं, ओके ओके भूल गए क्या, इसमें नहीं है बट है, हाँ मैं वही सोच रहा था।
क्या लगता है रोक पाएंगे? अभी पांचवा टाइटन भी तो आएगा और छठ बेसिकली सारे ही टाइटन नहीं नहीं तीन तीन एरन के पास है ना. हाँ तीन एरन के पास एक बीस्ट चार. हाँ अरे हाँ चार हो गए तो बचते हैं बाकी इनके पांच इधर पांच तो ये हाँ पांच तो है पांच ही पीक हाँ, है. हाँ पीक है हाँ. वो पीक का सर नेम फिंगर कैसे है भाई? सच में फिंगर मेरे को पहले नहीं पता था, मैंने मांगा में ध्यान नहीं दिया. उस फिंगर कैसा सर नेम होता है यार? रजत को समझा क्या? ओ, ओ, ओ. बताओ यार क्या चीज. अरे मैंने स्ट्रीम बंद कर दिया अपनी. मैं बोला क्रिंज वर्स सीन वो गो सेव द वर्ल्ड वाले को बोल रहा हूं. मैंने क्या सोच के नाम लिखा रहेगा नहीं उसका. आई रजत आई डिड कैरी मिनाटी यूटी रिव्यू कैसा लगा? लिंक भेजना यार देखूंगा. अरे नहीं वो कैरी मिनाटी का वीडियो आया था तुमने देखा है क्या? नारुतो की जो है ना उसकी वाइफ गेस करने की कोशिश करता है. देखा है क्या कौन थी? रजत ने देखा. क्या कहता है उसकी वाइफ का नाम है? अरे रुको वीडियो दिखा दे ना यार. हाँ दिखाओ दिखाओ. एक सेकंड ना एक सेकंड एक सेकंड. ओ भाई एक सेकंड यार जब से जब से मैंने, हाँ ठीक है दिखाओ. वो मैंने लाइव स्ट्रीम पे देखी थी जो पागल हो गया था देख. ओ भाई क्या सर्च करूँ? कैरी मिनाटी ना रूटो ठीक है डाल के देखते हैं. रुको हाँ ठीक है एक मिनट. okay. म्यूजिक बंद कर देना वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा. नहीं है म्यूजिक नहीं है. शेयर कैसे करूं? अच्छा शेयर योर स्क्रीन. ठीक मुझे यहाँ से वॉच स्ट्रीम करना पड़ेगा तब दिखेगा सबको बताना. दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है वीडियो? हाँ दिख रहा है. एक मिनट ये एक मिल गया है छोटा वाला टॉकिंग. अच्छा ये है ये साकुरा के लिए वो ठरकी है लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो असली बीवी होती है वो हेमा हेमा वारी होती है. नारुतो की बीवी हेमा वारी होती है. ठीक अब ये और आगे म्यूजिक है यार इसमें म्यूजिक है. नहीं ठीक है ना वो पॉज कर देगा. क्या बात कर रहा है? हाँ तो बोरुतो बोरुतो की गर्लफ्रेंड होती है हेमा वारी. अबे यार ये हिंटाटा तक नहीं देखा था मैंने. हिनाटा किसकी बीवी थी? लेकिन ऑब्वियसली जिसने भी ये मीम बनाया यार बहुत बढ़िया बना. पॉज करो पॉज करो स्ट्राइक लग जाएगा. क्या बात कर रहा है? बोरुतो बोरुतो की गर्लफ्रेंड होती है भाई. बंद कर रहा हूँ इसको. हाँ ठीक है हो गया. इंसेस्ट पहले उसको हिमावारी को नारुतो की वाइफ बनाया फिर बोरुतो की गर्लफ्रेंड बनाया लास्ट में हिमाद्री हिमाद्री फिर हिंटाटा. भाई हिंटाटा ये मुझे लाइव स्ट्रीम पे मिला था वीडियो में पागल हो गया था हंस हंस के. ऐसी ऐसी चीजें लाइव पे एक्सप्लोर करनी चाहिए पर स्ट्राइक ना आए. अच्छा अटैक ऑन टाइटन का हो गया क्या? क्या और? अरे नीड हेल्प यूनिक क्षितिज करके एक एनिमी यूट्यूबर है उसका चैनल हैक हो गया है. ऐसा है क्या? अच्छा मतलब मैं उसको जानता हूँ बट हाँ मैं मैंने एक दो वीडियोस देखी है. वेट अ सेकंड
है को क्या चैनल? इसलिए लिंक पे क्लिक नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, कभी मेरा हैक हो गया तो मेरे मीम बन जाएंगे। इसलिए लिंक क्लिक नहीं देखना चाहिए। इसलिए लिंक क्लिक नहीं, चाइनीज है ना वो, हैक मार देंगे। ओके हाँ हाँ, यू एथेरियम का क्या रहा है ना, एथेरियम करके हो गया इसका चैनल। तरुण इज सो क्यूट, अशिका आई नो, बस ये रिस्पॉन्स। रजत का कैमरा हमको ठीक नहीं दिख रहा अभी। क्यों, क्या दिक्कत है? बंद करके चालू करो, तुम्हारा वो हो गया नहीं ग्लिच। अच्छा गया। नहीं मुझे तो दिख रहा है, मेरे लिए ग्लिच हो गया, बंद करके चालू करो। ओके अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ तो वो ठीक है, थोड़ा प्रॉपर रेस्पॉन्स दे देते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम नॉट वेल adapt to receiving compliments, so I don't know how to react, but thank you. Sari zindagi gaali khayi hai to. That guy likhta hai, love day ka cute. Lo, gaali abhi khali phir se. Bata. आदत है, अब तो लगता है वही नेचुरली एक्सेप्टेड है मुझे। विल जुजुत्सु कैसन जीरो रिलीज इन इंडिया थिएटर में? आई थिंक सो हो जाएगी, करो यार। पीवीआर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है उसमें, पीवीआर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है उसमें। हाँ लेकिन कितना टाइम लगा रहे हो यार, अभी मार्च 18 को तो यूएस में रिलीज है ना उसका। होने दो भाई, कहीं तो रिलीज होने दो, अभी हुई है क्या कहीं वो? जापान में हो गई ना वो? अच्छा हो गई वो तो 24 दिसंबर को हो गई थी लास्ट ईयर ही। मैंने उसकी मांगा रीड कर ली है तो। अच्छा पूरी कर ली क्या रीड? यस, मतलब लेटेस्ट कॉट अप हो गया ऊपर। बढ़िया यार, काम क्या है अपने को? उसका है, उसका शिबुया आर्क आएगा ना। बस बहुत सुना है बस, ज्यादा नाम मत लो, गंदा कर देगा वो पूरा। यार जुजुत्सु काइसन जीरो, उसके अंदर कितने मतलब फ्लैशबैक ही फ्लैशबैक। जुजुत्सु काइसन जीरो वो एक फ्लैशबैक है, फिर सीजन वन जहाँ खत्म हुआ उसके आगे की स्टोरी फ्लैशबैक है, और फिर जाके शिबुया आपके ऐसा। यार फ्लैश शोनन में इतना फ्लैशबैक क्यों चलता है? वही नहीं, लेकिन उसमें वो अभी जुजुत्सु काइसन जीरो में युता जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो और इस टाइम पे उस वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है वो, बिहाइंड गोजो सातोरू। बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर वो तो। वैसे तुमको कुछ इसका ये एक्सपीरियंस है क्या, चैनल हैक वैक हो तो कैसे वापस लाना होता है? नहीं यार, जो है ट्विटर पे मतलब मिल जाएगा हेल्प, अगर तुम यूट्यूब को टैग करोगे ना, यूट्यूब इंडिया वगैरह को। ट्विटर पे ही मोस्टली रेस्पॉन्ड करते हैं ना वो, और तो कहीं ज्यादा करने का फायदा नहीं, और कहीं ठीक है। आई थिंक उस कोई चैट में बता सकता है क्या क्षितिज का ट्विटर हैंडल क्या है? मैं चेक वेक कर लेता हूँ, ट्वीट्स वगैरह रीशेयर कर देंगे हम। तरुण के लिए हिंटाटा बेस्ट है। अब तो लगता है उससे आगे गाड़ी बढ़ेगी भी नहीं अपनी। हिंटाटा कौन है? तुमने देख लिया क्या जोजो पूरा? यस 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 यस, वो जो दो है ना उसमें मतलब नेक टू नेक है मेरा, उसका जो ये था ना पार्ट फोर पार्ट फाइव। पार्ट फोर मेरा पर्सनल फेवरेट है यार, ताबड़तोड़। यस, तो क्या नाम था उनके शहर का यार? मोरियो। यस मोरियो, चाहिए बढ़िया है वो। पार्ट फाइव का नाम मेरे को ना ऐसा ना मतलब विलन विलन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक, मैं मतलब बहुत टाइम तक सोच रहा था ना, अब मेरा दिमाग ऐसे काम करता है कि उसमें जोरुनो का जो एक अपने वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वो छोटा था, तो गैंगस्टर हेल्प करता है उसकी।
एक गैंगस्टर हेल्प करता है ना उसकी, और उसको उसके ऊपर हम, मुझे लग रहा था उसको विलन बना के लाएंगे वो लोग, मतलब मैं बहुत टाइम तक ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो होगा शायद, बट वो हुआ ही नहीं। बट ठीक, ओपी विलन था, फिर उसको हराया एंड में, तो मुझे एक टाइम के लिए समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, ये चल क्या रहा है। एंड में किसी को कुछ समझ नहीं आया, वो मतलब बस ऐसा था उसका रैंडम कुछ भी जा, वही मैं बस यही देख रहा था यार, वाह मस्त है, एनिमेशन मस्त है। जो भी है अच्छा है, दिख के अच्छा लगा अपने को, गोल्डन सुंदर लग रहा है जो भी है। विंड रिक्वेम ऐसा कुछ था वो, लेकिन उसका म्यूजिक भारी था यार, म्यूजिक भारी था, कैरेक्टर म्यूजिक डिजाइन म्यूजिक अच्छा ताबड़तोड़, म्यूजिक तो अच्छा ही है यार जोजो का ओवरऑल। था। मुझे उसके ना एक टाइम में सोच रहा था छोड़ देता हूँ उसको देखना, जब उसका पार्ट 3 देख रहा था ना मैं, जो तारो वाला, पार्ट 3 बहुत लंबा है, बहुत अननेसेसरली लंबा है। वही। और उन्होंने गलती क्या कर दी, अपने को ऑलरेडी डेस्टिनेशन बता दिया स्टार्टिंग में कि उनको इजिप्ट जाना है, ठीक है, तो अब वो इजिप्ट जाना नहीं मैं क्या बता कह दिया रहा है, हूँ, हाँ उन लोग इजिप्ट जा तो रहे थे। हाँ ठीक है बोलो बोलो। वही ना, जब उनको इजिप्ट पहुंचना है, जब मेन कैरेक्टर अगर इजिप्ट पहुंचेगा ही नहीं तो स्टोरी खत्म कैसे होगी, ठीक है ना। अब उनको इजिप्ट पहुंचने में ऑलमोस्ट पूरा सीजन निकल जाता है ना, लास्ट के जो भी है मेन 10 एपिसोड में एक्चुअल में पता चलता है कि क्या होगा स्टोरी में, तो इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी। हमने पता वो है विलेन आ रहा है तो वो नहीं, हारने ही वाले हैं, वरना इजिप्ट पहुंचेंगे कैसे। वो इजिप्ट जा रहे थे क्यों, बिकॉज जोतारू की जो मॉम थी उसको उनको बचाना था बेसिकली, तो वो उसकी तबीयत खराब हो रही थी दिनों दिन, तो ऐसे में ना उसको ना एक ना बहुत ना टाइम टाइम सेंसिटिव रहना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी करो वरना वो मर जाएगी। वो स्टेक्स ऐसा है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम सेंसिटिव रहना चाहिए, बट उन्होंने वो चीज नहीं किया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट किया, एकदम लंबा खींच दिया उसको। उन्होंने जब स्टार्टिंग में बोला ना कि 50 दिन है उसके पास, तभी मेरे को लग गया हाँ कि ये अब जो है भाई या तो भाई आखिरी दिन पहुंचेंगे या उसके एक दिन पहले पांच दिन में तो पहुंचेंगे। आदमी बुखार से मर जाता है यार, तुम 50 दिन। और यही चीज मतलब आगे के पार्ट्स में अच्छी लगी कि एंड जो गोल है ना वो अपने सामने उन्होंने नहीं रखा जल्दी कि क्या करना है करके, जैसे पार्ट 4 का जो विलन था वो तो कितने बहुत टाइम तक पता भी भाई नहीं चलता अपने को बहुत विलन जबरदस्त, मतलब बताओ। तुमको मीड का वो सेक्शन याद है जहां पर लगता है कि मतलब अब गया ये तो खत्म है, हाँ खत्म, हाँ लाइक हाँ वहां से लास्ट के 2 मिनट क्लाइमेक्स में बंदा पूरा गेम चेंज कर देता है, बताओ। पूरा पूरा पलटी 2 मिनट में। और वही, और मतलब वो और भी ज्यादा शॉकिंग क्यों लगता है, क्योंकि उससे पहले अपने को 3 या 4 विलन ऑलरेडी दिखा दिए रहते उसी पार्ट में, हाँ है ना, 4 एपिसोड के लिए आते हैं फिर अगला विलन, तो मुझे लग रहा था वो यहीं पे पकड़ा जाएगा अभी और आगे दूसरा विलन आएगा, लेकिन नहीं वो नहीं नहीं ट्विस्ट नहीं मारा। हाँ नहीं, मेरा ऐसा था कि मेरे को पता था कि ये बंदा मेन विलन है इस पूरे सीरीज का, अच्छा तो ना अच्छा मैं तो अच्छा ना मैं थोड़ा सा ना वो था, मतलब क्यूरियस था कि बस हो कौन गया खत्म, यही तक था, फिर बंदे ने जो बाजी पलटी है भाई साहब बेहतरीन वही था। वही सही है। और मतलब एक 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 लेकिन जो चीज मतलब मैंने नोटिस की ना कि अगर उसमें विलन कोई चीज करना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर चाह रहा है कि मेरे को ये चीज करूंगा तो मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, वो कर लेता है, विलन उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। तुम देखोगे पार्ट 3 में डियो को चाहिए रहता है खून, इस उसको तरह मिल मिल जाता है। जाता है, हाँ ठीक है। पार्ट 1 में भी डियो को जब चाहिए रहता है तो मिल जाता है उसको, था मैं उसके पार्ट वन पास। मेरे को याद दिए, पार्ट वन का मेरे को कुछ हाँ याद पार्ट नहीं। हाँ पार्ट टू का तुम कह सकते हो, कार्स जो था मेन विलन उसको, हाँ वो बेसिकली डे को कॉन्कर करना हाँ चाहता है, मतलब दिन हाँ दिन में भी उसको हाँ घूमना फिरना रहता है, वो चीज़ वो भी वो कर लेता कर ही है। लेता है हाँ ना, कर लेता कर है ही वो, लेता है वो, हाँ कर लेता है। वही तो ये चीज मतलब कितने मतलब ऑलमोस्ट हर एक पार्ट के अंदर है कि विलन सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन फिर भी उसके बाद हरा देते हैं ये लोग। वही अब पार्ट 6 पे अटका है ना, आधा आया है वो नेटफ्लिक्स पे, जो पार्ट 6। हाँ जोटारो को साइड में अच्छा कर दिया गायब, वो देखा है क्या अपना, जोलिन 14-15 एपिसोड जोलिन जो वाला, भी है, वही वही आधा देख लिया मैं। उसके आगे का आया नहीं यार, काफी ज्यादा समय ले रहा है। वही अब वो नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप किया ना, अभी नेटफ्लिक्स ने उसको पिक कर लिया, तो 14 एपिसोड एक साथ गिरा दिए, अब जब आएगा आगे तब हाँ देखेंगे। हाँ वही, लेकिन काफी ज्यादा समय ले रहा है। नेटफ्लिक्स इतना लंबा गैप रखता नहीं है वरना पार्ट्स में एटलीस्ट। बादल के पीछे वो गुड नाइट हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि 2 ही प्लग है उधर, ऐसे वाले 2 प्लग है, तो इसलिए गुड नाइट भी ऐसा लगाया है।
भाई ऐसे ऐसा कौन लगाता है। अरे दूसरा प्लग ही नहीं है घर में, लैपटॉप चार्ज पे लगाया इधर अच्छा तो अच्छा वाईफाई। वैसा वाला है वो हाँ मतलब ऐसे दो ऐसे हैं सीधे। मतलब वो काफी मतलब अनकॉमन टाइप का रहता है। कोमिसान सेकंड सीजन। अरे हाँ कोमिसान है, फिर वो भी था ना कौन सा यार, अरे रोम कॉम बहुत फेमस है ना यार वो, जो अभी नाम चल याद रहा नहीं आ है रहा। नहीं, स्कूल में वो लव, लव इज वॉर, हाँ लव में मैं कागुया सुन सामा। गाना याद है। हाँ हाँ कागुया कागुया सामा, सामा, कागुया सामा। वो भी आ रहा है ना इस साल, वो है कमीशन। तुम्हारा ड्रेसअप ऑब्वियसली डाल, वो ड्रेसअप डालने को दिख रहा है कि हाँ मैंने देखा पूरा 8 एपिसोड देख लेंगे यार। नहीं? उसका सेकंड एपिसोड मैंने एक एक बंदे को दिखाया रैंडमली, वो एनिमे देखता नहीं, और वो अगले दिन आके मेरे से नाम पूछ रहा है क्या है सीरीज का नाम बताओ मुझे। को कौन सा वाला वो ऐसे होता है अच्छा लग मेजरमेंट जाता ले मेरा। है। उसको है ना मेन मेन इंप्रेसिव क्या लगा मालूम है, वो मतलब रहती है स्विम सूट में, ठीक है, तो जो जिगल दिखाया ना वो देख के बोला अबे ये क्या चीज है। एनिमे बहुत सही क्लिप्स है। भेज दिया करो इस तरह की, बता, बहुत उम्दे रहती मैंने हैं। बोला फर्स्ट ट्रैप, दिस इज द ट्रैप, वही ऐसे तो, फंसते लोगों को। उनको गलत फिजिक्स दिखाई जो लोग हम लोगों से पूछते हैं ना, मैं अपने दोस्त को एनिमे कैसे दिखाऊं, सीखो बादल से। मैंने उसको क्या बोला, तूने जो चीज देखी ना वो सिर्फ उसी एपिसोड में आ गई और कुछ नहीं है। बोल रहा तू रहने दे, तू मुझे नाम बता। उसको प्रेजेंट स्कूल दिखाना यार, भाई दीवाना। अलग ही ट्रैप नशा है। बाय द वे मैंने रीट्वीट कर दिया है तो। क्या चीज रिट्वीट कर यार? उनका चैनल हैक हो गया था ना। अच्छा तरुण, डोंट पुट दोस पैथेटिक टाइप थंबनेल्स ठीक है यार, लाइक वैलेंटाइन थंबनेल ठीक है अगेन ऑन। यार। वैलेंटाइन वाला कौन सा था? अरे उसमें तुम नहीं थे, अच्छा अच्छा उसमें वो बादल के साथ नहीं थी यार, किसी और के साथ की थी। ठीक है यार, जो बनता लगा देते हैं। रजत बढ़िया थंबनेल बादल द बनाता है। बेस्ट एची एनिमे, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। क्या नाम बोला, टू यू टू, अच्छा टू लव रू, ये कौन सा एनिमे भाई? टू लव रू, टू लव रू, टू लव रू, जैसे को लग रहा है हेंटा है ये, क्योंकि ये नाम मेरा सुना है और मुझे याद नहीं है कि कहाँ सुनना मतलब सुना हुआ है तो मतलब हेंटाई है, तरुण ने सुना हुआ है तो हेंटाई। नर्डी गेमर्स का सुपर चैट है अपने को। बादल भाई, तरुण और रजत को मैन ऑफ कल्चर पे इनवाइट करो जरूर, क्यों नहीं भाई सी सी अभी। इट हैज माइल्ड न्यूडिटी, अच्छा R+ रेटिंग। एनिमे के अंदर वो तो मतलब कितने के अंदर देखा है मैंने, रोम कॉम में ही दिखा देते हैं है ना, मतलब रोम कॉम के अंदर होता ही है कि वो शावर में कोई रहेगा और कोई गलती से आ जाएगा या कहीं गिर जाएगा, वो तो है ही ना। अभी ड्रेसअप डार्लिंग के अंदर भी दिखाया ही है। वो देखा नहीं मैंने। ड्रेसअप डार्लिंग में नहीं है उतना, बहुत अरे है मतलब ना हेयर एंड देयर थोड़ा। अच्छा देखा है क्या तुमने? देखा ना, वो उसके घर में आई रहती है और शावर में रहती है, और ये बोलता है कौन दोस्त आया मेरा। अच्छा हाँ, वो हाँ वो थोड़ा ज्यादा है। हाँ फिर उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन। बताओ ठीक अबे यार काफी ज्यादा। तो है भाई राजू। चलेगा, एपिसोड डिस्कशन तो हो गया। अभी एपिसोड ना मध्य मध्य चल रहे हैं, कुछ एरन ने यूक्रेन से सिग्निफिकेंट क्यों सा रमलिंग नहीं स्टार्ट करी? यार। उस पे मजाक पता मजाक नहीं। ये कहाँ गए? अरे गुस्सा हो गया क्या ये? हेलो नहीं ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं मजाक में ही बोल रहा हूँ।
बादल ग्रेट प्रिटेंडर देख ली मैंने। बादल सब देख के बैठा है, बादल तुमको रिकमेंड करता है तुम मत करो। सब नहीं देखा है मतलब, ठीक है और कुछ, मेरा लाइव एक्शन देखने का हो ही गया, खत्म ही हो गया मेरा, एक शो खत्म करता हूँ अगला क्या देखूं, तो एनीमे ही चालू कर देता हूँ। बहुत बुरी आदत लगी है, साल है नया नया माल है, बुरी आदत लगी है बहुत। What will it adapt next? वो नया ही लेंगे कुछ तो। हाँ एक बंदा पूछ रहा है, तुम में से कोई JFF आ रहा है क्या? यस मैं आ रहा हूँ। तुमको JFF के बारे में पता है क्या? जापान फिल्म फेस्टिवल होता है इंडिया में मूवीज, हाँ बहुत टाइम से होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी इंडिया के अंदर जापान फिल्म, अच्छा जापान की फिल्म का फेस्टिवल यहाँ, फिल्म फेस्टिवल हाँ काइंड ऑफ वो अपना छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं मूवीज वगैरह चला के, प्री शो होता है। तो इस बार रामायण मूवी लग रही है जो एक एनिमे वाली, तुम हाँ देखा मैंने वो देखा। और भी कुछ मूवीज हैं, जैपनीज मूवीज प्लस एनिमे मूवीज भी कुछ, तो अब जो जो अपना टेस्ट है, मैं तो एनिमे मूवीज ही देखूंगा एक दो दिन जाके, तो मैं आ रहा हूँ। तुम अच्छा तुम तो उधर रहते हो, तुम तो नहीं आ सकते हो, ठीक है। कोई रहता है क्या दिल्ली में पहचान का? दिल्ली में होंगे यार यूट्यूबर्स तो बहुत होंगे। हाँ ऐसे यूट्यूबर्स तो बहुत होंगे, ऐसे मतलब जिनसे मेरी बात होती हो वैसे, उसमें तो नहीं देखा था, पता नहीं वो भी एनीमे के लिए जाएंगे कि नहीं पता नहीं। आई ऐसी रात है, कैसी रात आई? गर्मी है भाई साहब यहाँ पे बहुत, पंखा चलाने नहीं दे रहे तुम लोग, बोलते हो रंबलिंग हो रही है घर में। थोड़ा स्लो पे कर रही है, एक या दो नंबर पे कर लो। नहीं वो स्लोवेस्ट पे भी उतना ही तेज घूमता है, पता नहीं कैसा बना के गया है वो। Wait is in $200 million debt. What? That's why they will be making originals and take all profit. वो ओरिजिनल्स उसलिए ही बना रहे हैं क्योंकि स्टूडियो को ज्यादा प्रॉफिट, मतलब स्टूडियो को एनिमे का प्रॉफिट नहीं मिलता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वर्क हुआ ना, तो ओरिजिनल की तरफ वो इसलिए जाना चाह रहे हैं। बाकी डेप्थ वाली बात का मुझे नहीं पता वो कितनी जल्दी अनफिल्टर्ड एपिसोड डाल। अरे मेरा एडिटर यार, मेरा एडिटर क्या बोलूं, मैं यही सोच रहा था किस बारे में वो मैन ऑफ कल्चर का, अच्छा मैन ऑफ कल्चर का अनफिल्टर्ड, अच्छा उसको भी बेचते हो तुम लोग, ठीक है भाई। अरे मेरा एडिटर घूमने चला गया शाम को, बता मैं उसको बोला वीडियो कट करके जाना, वो चला गया घूमने के लिए, ठीक है वो बोला कल रात भर में कर दूंगा। तो क्या होता है अनफिल्टर्ड में वो? कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम लोग मेन इस पे नहीं कर सकते वरना YouTube खा जाएगा हमको, या फिर कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो ऐसा जो है ना वो मेंबर्स ओनली। समझा, सही है भाई। बिजनेस करना पड़ेगा यार, क्योंकि अब तीन लोगों ने पार्टनरशिप में किया है ना, तो एड रेवेन्यू तो कुछ भी नहीं आता, जो तीन लोगों में डिवाइड कर दो तो चिंदी आती है हाथ में, होता है यार। लाइफ इज टफ, लेकिन है वो अच्छा रिस्पांस मिला उस पे अनफिल्टर्ड पे। बढ़िया यार, बताओ अमोक चवन, MHA Heroes Mission कैसा है? गेम है क्या? मैंने खेला है शायद वो वाला, देखूं जरा कौन सा खेला है मैंने। Heroes Mission बादल वन पीस देख। नहीं अरे क्या, अच्छा मूवी है, चाहते हो दुनिया से गायब हो जाऊं मैं 2-3 महीनों के लिए? वन पीस देख बोल रहा है, 2-3 महीने भी कम पड़ जाएंगे, बताओ फिर मेरे को उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भाई तू देख ले आगे क्यों नहीं खुल रही मेरी, रोज के 30-30 एनिमे एपिसोड देखा है मैंने। नहीं देखने वाले देखते हैं यार वन पीस, लेकिन अब सोच 1000 एपिसोड में बादल कितने एनिमे देख सकता है, वही ना बिजनेस। बिजनेस देखो तुम, अब सोचो 1000 एपिसोड देख के, मतलब थिंक मार्क थिंक।
बीस 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 एपिसोड के। अच्छा तुमने देखी है क्या वो इनविंसिबल? हाँ रजत ने खाली मीम्स देखे हैं शायद। भाई कैसी लगी इनविंसिबल बताओ? इनविंसिबल टॉप नॉच है। उसी के मेकर्स ने वॉक्स माकिना बनाया अभी रिसेंटली, देखा है क्या तुमने? इन इन कंपैरिजन वो उतना स्टैंड आउट नहीं करता है, काफी एवरेज सा शो है। ऑल दो बैड, बेकार नहीं कहूंगा मैं, बट वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली गुड शो भी नहीं है। वही जस्ट एंजॉयमेंट के लिए देखना हो देख लो, आई डोंट रिकमेंड। इनविंसिबल तुम पहले एपिसोड में ड्रॉप करने का कभी प्लान कर रहे थे क्या, पहले एपिसोड के बीच में? कि मैंने इनविंसिबल कैसे डिस्कवर किया उसका, वो वीकली आ रहे थे ना उसके एपिसोड आई थिंक, तो हाँ। जब पहला दूसरा ऐसा एपिसोड आया होगा या आई डोंट नो किस टाइम हुआ होगा, तो उसका जो एंड क्लिप था ओमनीवर्स वर्सेस गार्डियंस रहते हैं हाँ वही जो भी था। वो क्लिप मैंने देखा डायरेक्टली, वाह वाह। और मैंने सोचा ये कोई पुराना शो है क्योंकि उसका एनिमेशन अमेरिकन स्टाइल है, एंड मेरा ऐसा ओपिनियन हो गया है कि उस टाइप के शोज अभी बंद हो गए हैं सुपर हीरो अब वो एनिमेशन। 3D में आ गए ना, 3D एनिमेशन करने हाय लगे वो लोग मोस्टली। 3D का पता नहीं, बट वो या तो एनिमेशन स्टाइल बहुत ज्यादा बदल गया है या मतलब डिफरेंट चीजें देखने मिलती हैं, अब वो चीज देखने नहीं मिलती, बट वो वैसा था जैसे हम कार्टून नेटवर्क पे देखा करते थे उस टाइप का एनिमेशन था। सो आई थॉट कि ये कोई पुराना शो है डीसी का, शायद डीसी का कोई पुराना शो है, बट वो एक अलग चीज थी अपने आप में। मैंने उसको क्लिप से डिस्कवर किया, मुझको पसंद आया, मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े तो पता चला हाँ ऐसा एक करके एक शो है, तब देखा मैंने। तो एपिसोड वन का क्लाइमेक्स तो मुझे पहले से पता था, वाह वेट कर रहा था वाह, बट मुझे नहीं बट पता था। और मैं चालू क्या बोल रहा हूँ, ये DC का सस्ता कॉपी क्यों लग रहा है मुझे? वंडर वुमन है, फ्लैश है, बैटमैन है, जस्टिस सस्ता लीग कॉपी का निकाल रहे वो है, इनविंसिबल मतलब वहीं से उठाया हुआ है, बट उसको एक अलग टेक दिया है पूरी तरह से, है। और व्हाट इफ उसके सुप, वही व्हाट इफ टाइप है। हाँ, वही। और वो पहले एपिसोड में वो एक्चुअल फाइट आने से पहले ना हमारा डिस्कशन हुआ है पॉडकास्ट पे कि गाली वगैरह कुछ नहीं देते वो लोग एपिसोड में, खून ज्यादा नहीं दिखाते ऐसे, मतलब एक टिपिकल सुपर हीरो शो जैसे दिखाते हो, फिर एंड में आता हाँ है वो बस सीधा मुंह। अच्छा इन्होंने नहीं हाँ देखा ना? उन्होंने नहीं उन्होंने एपिसोड नहीं उस तरह से नहीं डिजाइन किया है वो वो वाला सीन मैंने देखा, बहुत घूमा है वो इंटरनेट पे उसे, बहुत हद से ज्यादा। वो वायरल क्लिप थी एक तरह से। हाँ कई कई वो कई क्या लोगों बोलते हैं, कई लोगों ने वो सीन पहले देखा हुक बाद में शो ठीक है, देखा। लोगों को ऐसे हुक डाला गया था मुझे वो दिन याद आ गए जब मेमोरी कार्ड में तो भरवाने जाते थे ना, इसमें वीडियो सॉन्ग्स भर दो, तो उसमें वो क्लिप्स डाल के देते, उसमें एक क्लिप जरूर रहती थी घोस्ट शिप की, वो तार जाता है सबको बीच से हाँ, काटते थे, है ना है ना। वो बिल्कुल उस तरह का सीन है। मैंने वो बच्ची रहती है, उसका हाइट कम रहता है इसलिए वो अकेली बच जाती है, बच्ची रहती है उस शिप पे, बाकी सब लोग तो तार से मर जाते। इस तरह की चीजें बिकती हैं। नहीं, वो सीन मैंने देखा, वो कौन सी मूवी का है? घोस्ट नहीं शिप, पता मूवी घोस्ट का शिप नाम नहीं पता मुझे। अच्छा मुझे पता है, मैंने मूवी भी देखी है आई थिंक क्योंकि मैंने वो ही हॉरर डिस्कवर किया है, जम के डिस्कवर किया है। वाह। अच्छा अपन ने इनविंसिबल का नाम ले लेना, फिर मेरे को तुम्हारा ओपिनियन जानना है इस पे क्या है, ठीक है? तो मैंने एक अवार्ड शो रखा था, BNFT अवार्ड्स, उसके अंदर एक कैटेगरी रखी थी बेस्ट एनिमेटेड मूवी और सीरीज एक में ही, ठीक है? और उसके अंदर फाइनल नॉमिनेशंस आए थे, ठीक है, 5 थे। आर्केन, आर्केन देखी? ठीक, आर्केन, इनविंसिबल, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, म्यूगन ट्रेन, ठीक, और व्हाट इफ, ये 5 व्हाट नॉमिनेशन आए इफ थे। और जीता कौन? बताया था, जीता व्हाट इफ, व्हाट व्हाट इफ इफ, व्हाट इफ जीत गया भाई। और वो आई थिंक जब अवार्ड चल रहे थे तब वो ऑनगोइंग था ना, व्हाट इफ नहीं, व्हाट इफ निकल गया था, खत्म हो गया था वो, कितना पहले निकल गया था। 2 महीने हुए रहेंगे उसको खत्म होके। अरे नहीं, और इसमें कैसा वो, मतलब नॉमिनेशंस भी मैं पहले उनसे ही मांगता हूँ ना, तुम दो मुझे करके, तो उसके अंदर व्हाट इफ नीचे था, 2 या 3 नंबर पर रहेगा, ऊपर कोई और शो था, अटैक ऑन टाइटन या फिर ये आर्केन रहा होगा। फिर जब फाइनल वोटिंग की बारी आई, अरे मार्वल के फैन बॉय आए, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ। वो शायद वैसा हुआ होगा कि जाके स्पैम कर दो,
पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं तो मैं उस पे नहीं ओपिनियन उस नहीं रखूंगा। नहीं मुझे पता था कि बहुत सारे लोग हैं ना कि 2 या 3 बार फॉर्म सबमिट करेंगे, इसलिए मैंने उसके लिए ईमेल आईडी लॉगिन कंपलसरी कर दिया था कि अगर तुम ईमेल आईडी डालोगे तो ही तुम फॉर्म सबमिट कर सकते हो, और एक बंदा एक ही बार फॉर्म सबमिट कर सकता है ऐसा। फिर भी व्हाट इफ, मतलब पांचों में जो सबसे सबसे नीचे था क्वालिटी में वही जीत गया यार। हुआ होगा कुछ लोग लाइक सीरियसली ले लेते हैं। मैं वीडियो के अंदर मेरा दिमाग घूम गया, तुमने भाई मैं सदमे, आज तक सदमे में हूँ उसको लेके, क्योंकि उसके कंपैरिजन में तुम नाम देखो ना यार, अटैक ऑन टाइटन है, एनिमेशन की बात करो तो डिमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन है। पॉपुलैरिटी भी है। हाँ वो है, फिर उसका आर्केन भी, आर्केन का भी नाम हुआ था बहुत ज्यादा, इनविंसिबल का नाम कितना हुआ था। नहीं बट नहीं तुम्हारे हाँ तो बट तुम्हारे नहीं। चैनल पे भी मार्वल फैंस बहुत हैं। वो भी है, डिपेंड अगर करता है अगर बहुत अगर चीजों पे, अगर डिपेंड हम सेम, करता अगर हम सेम कैटेगरीज रखेंगे तो अटैक ऑन टाइटन तो मतलब खत्म कर देगा सबको। है। हाँ वो भी है। हाँ वही है, बर्ड्स विद द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये क्या था, इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश थी। एक अंग्रेजी। ही पंख के पंछी साथ फड़फड़ाते हैं। ये थोड़ा देखा ज्यादा हिंदी, शुरू से हिंदी में अच्छा नहीं लगता इसलिए इंग्लिश नहीं। बोलता हूँ कुछ चीजें। हाँ पता है मैं कई बार, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने पीछे जाके स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया इंग्लिश टू हिंदी, वो इतनी ज्यादा इंग्लिश थी। सही है यार। नहीं हम लोग इंग्लिश कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी अंग्रेजी निकलती है बेसिकली, वो आजकल उसका मैं कुछ नहीं बुक्स कर भी पढ़ सकते। रहा हूँ, अच्छा उसका भी असर है। बिट सीक्रेटली वर्किंग फॉर एओटी मूवी सिंस 3 इयर्स, डायरेक्टेड बाय तेत्सुरो अराकी। वाह कहाँ से ये लाते हैं ऐसे फैक्ट्स ये लोग। अच्छा अच्छा सीक्रेटली वर्किंग था और भाई ने हमें लाइव स्ट्रीम पे बताया। ओके ठीक है। वही वेट वालों ने इनको फोन करके बताया है, हाँ हम सीक्रेट काम करें, किसी को बताना मत। सीक्रेट बस एनिमी एंड। टीम की लाइव स्ट्रीम पे तो बिल्कुल नहीं, सबको पता चल जाएगा। अच्छा 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 अवतार द लास्ट एयर बेंडर सीरीज देखी है किसी ने? यस देखी है मैंने देखी। पूरी? अवतार दे 2 बार देखी होगी, बट वो बहुत इतनी पहले देखी है कि हाँ अब मुझे सेम कुछ सेम खास याद नहीं। सेम निकलोडियन पे। निकलोडियन मैंने एटलीस्ट दो तो बार उसको नाम पूरा गलत पूरा बोल रहे हो, वॉच किया एक होगा। मिनट, तो नाम गलत बोल रहे हो। निकलोड़ी निकलोड़ी। देखा वो वीडियो देखा था क्या तुमने दयाबेन का, निकलोडियन की तरफ से अंकल। निकलोडियन निकलोडियन। वो प्रोनाउंसिएशन, वो पूरे वीडियो के अंदर 4-5 बार उन्होंने प्रोनाउंसिएशन ऐसा किया है, निकलोडियन की तरफ से। ठीक नहीं लेकिन अच्छा है यार, अवतार लास्ट है। एयरबेंडर है ना। ट्रिगर स्टूडियो। ओके मैं क्या बोलता हूँ, रैप करते हैं क्या? 12 बजने वाले हैं, रैप करना, मतलब रैप अप पैक अप अच्छा वो बंद वाला करो। पैकअप, अच्छा वो वाला रैप, ठीक है कर सकते चलेगा हैं। ना? हमने स्टार्ट कितने बजे किया था? 10:30 के बाद ही साढ़े स्टार्ट किया दस है। के थोड़ा 10:30 के थोड़ा बाद स्टार्ट किया होगा, लाइक स्टिल कर एक दो घंटे का हुआ होगा। फ्रेंड्स, लाइक हाँ कितना अरे करना हाँ बस, और ए हाँ वो कितने लोग देख रहे हैं? चार सौ है? लोग 400 लोग जाके मेरी वीडियो देखो, बहुत टाइम अरे यार ये मेन बढ़िया चैनल है। पे डीमन स्लेयर की वीडियो, बहुत और टाइम बाद जो जो वीडियो जो बनी यार। जो जो लोग बादल को देखने आए वो भी जाके वीडियो देखो। इस चैनल पे नहीं अब मिलेगा, इस चैनल पे नहीं मैंने मिलेगा। मैंने 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 लास्ट टाइम जब वीडियो पे वर्क किया था वो लास्ट 19 दिसंबर था, उसके बाद से मैंने अब हाथ रखा, मतलब उस टाइम मैं इतना जुगाड़ कर गया था कि हाँ दिसंबर निकल जाए, जनवरी तक डल जाए, बट लास्ट जो वर्क किया था वो मैंने 19 दिसंबर को किया था, उसके बाद से अब है। ठीक सही है यार, थोड़ा है, थोड़ा मंदा वी चल आर रहा है बैक अभी। बॉयज।
धंधा मंदा चल रहा है बट धंधा करेंगे उतने देर में मैंने कितने वीडियो छाप दिए सौ एटलीस्ट 100 डले होंगे सब मिला के पॉडकास्ट शॉर्ट क्लिप्स वगैरह हाँ 100 तो हो गया रहेगा 100 हो गया रहेगा ये वही इसको लेके अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आया इसका रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र आ रही है पता है हिंदी हिंदी मूवी थोड़ा हाँ हाँ शायद अक्षय कुमार टीजर वगैरह सुनो सुनो रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र जब अनाउंस हुई थी ना कि हम लोग ये बनाने जा रहे हैं ठीक है अभी तक रिलीज हुई है वो पिक्चर वो उस टाइम से लेके आज तक अक्षय कुमार ने 26 मूवीज बना के रिलीज कर दी ब्रह्मास्त्र जब अनाउंस हुई थी उतने देर में मुझे मुझे पता था अक्षय कुमार का नाम लिया जाए 26 मूवीज रिलीज कर दी कब ऐसे ऐसे मतलब अनाउंस कब हुई थी ब्रह्मास्त्र बहुत पहले हुई थी वो 14 या 15 ऐसे ईयर में हुई थी अनाउंस हो जब 12-13 हुआ रहेगा ब्रह्मास्त्र का अनाउंसमेंट और मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है अभी तक रिलीज नहीं हुई है अक्षय कुमार ने 26 कितने एक्टर होते जो पूरे करियर में 26 पिक्चर नहीं करते वैसे सनम तेरी कसम 2 भी अनाउंस हुई है पता है क्या क्या अच्छा नहीं मैंने पहला वाला नहीं देखा है नहीं देखा मैंने तुमने देखा है क्या फैन बॉयज बैठे इधर ओ ओ हो मैंने मैंने नहीं देखा मैंने नहीं देखा भाई फैन बॉय एक ही बैठे फैन बॉय एक ही बैठे इज्जत दो ठीक है अभी भी 400 लोग हैं 400 लोग लाइक करो इस स्ट्रीम को बादल के चैनल को चेकआउट करो एनिमे वाले आधी ऑडियंस ऐसे उधर से ही है सो कोई बात नहीं 400 लोग बाकी फेट देख लो ठीक है भाई फेट तुम आज सोच तो लोगे तुम्हें फेट देखना है बट तुम जब तुम देखने बैठोगे ना तुमको समझ नहीं आएगा कहाँ से देखना है, है? तुम ढूंढ मतलब उसका वॉच ऑर्डर इस तरह से किया हुआ है फिर इधर एक एकदम सिंपल सोल्यूशन होता है ईयर वाइज जैसे रिलीज हुआ वैसे देखते जाओ लोग ईयर वाइज रिकमेंड नहीं करते लोग ईयर वाइज रिकमेंड अब ठीक है वो सब समझ में आता है लेकिन वो ज्यादा सही होता है क्योंकि जिस तरीके से एक्चुअल लोगों को देखने मिला है ना कि पहले ये मूवी आई थी फिर उसके बाद वो ज्यादा सही रहेगा ना आइडियली वैसे मैं भी वही प्रेफर करूंगा आइडियली जैसे स्टार वॉर्स हो गया ठीक है स्टार वॉर्स का कैसे सबसे पहले जो रिलीज हुआ था उसका नाम चेंज करके एपिसोड 4, 5, 6 कर दिया फिर उसके बाद रिलीज हुआ एपिसोड नंबर 1, 2, 3 मूवीज का ऐसे फिर अभी 7, 8, 9 हाँ तो वही उसका फिर तुम रिलीज वाइज देखोगे तो ही सही रहेगा ना ऐसे तुम एपिसोड 1 देखे तो फिर सस्पेंस पूरा खत्म हो जाएगा वो लेकिन फेट का बड़ा अजीब सा है यार मतलब वॉच ऑर्डर मतलब रिकमेंड करने वाले भी अलग अलग रिकमेंड करते हैं कोई कहता है कि अल्टीमेट ब्लेड वर्क्स पहले देख लो हाँ अल्टीमेट ब्लेड वर्क्स पहले देखो कोई बोलता है छोड़ो सब छोड़ो री जीरो देख लो बस वो सारी फेट जीरो देख लो फेट जीरो देख लो बस नहीं सर ये री जीरो तो अलग एनिमे लग रहा है मुझे सब सब छोड़ो तो ऐसा कोई नहीं बोलता है मुझसे बोला है मुझसे बोला है बंदों ने मतलब जो बिल्कुल डेडिकेटेड फैन बॉयज है ना उस कैटेगरी में के सब छोड़ो फेट जीरो देख लो इसे का है ना हाँ इसे का क्योंकि फेट जीरो यूफो टेबल ने ही प्रोड्यूस किया है डेमन स्लेयर स्टूडियो वो लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका बजट बहुत अच्छा है नहीं नहीं एनीमे देखो एक ने वॉच ऑर्डर लिख भी दिया फेट जीरो और अल्टीमेट ब्लेड वर्क्स यही है ना हाँ और उसके बाद फेट मूवीज फेट मूवीज हाँ लेकिन सेम सुनो सेम चीज ना दूसरा बंदा कोई मेरे को बता रहा था कि अल्टीमेट ब्लेड वर्स पहले देखो बाद में फेट जीरो देखो मतलब ये कैसे है मतलब एकदम से आगे पीछे कैसे हो सकता है वॉच ऑर्डर में भी अब या तो देखो या तो सीरीज ये देखे देखो 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 दूसरे बंदे ने कमेंट किया उसने फेट UBW को पहले रखा है बाद में जीरो को रखा है भाई इसको लेके मैं बोल रहा था कि या तो बनाने वाले ने बहुत ही जबरदस्त दिमाग लगा दिया ठीक है या तो फिर उनकी प्लानिंग ही नहीं थी कि क्या करना है आपको और पता है जब जब मेरा स्टार्टिंग टाइम था एनिमे में तो एक बार मैंने फेट ट्राई किया था आई डोंट इवन रिमेम्बर वो कौन सा था बट वो इतना कंफ्यूजिंग था शुरू के एपिसोड मैंने मैंने छोड़ दिया भाई पता नहीं चल रहा कौन कैरेक्टर कहाँ से है क्या हो रहा है कुछ नहीं मैं ऐसा लग रहा कहीं बीच से शुरू हो गया हाँ मैं फेट जीरो ट्राई कर रहा था मैंने फर्स्ट एपिसोड लगाया मैं लंच कर रहा था मैं बोला भाई इस एनिमे को लंच करते करते नहीं देख सकते तुम वो बहुत इन्फो डंप है भाई शुरू के 5 मिनट में इन्फो डंप है उसमें लिटरली बाप रे
और 45 मिनट का एपिसोड। हाँ, बाप रे। ठीक है अभी रैप करते हैं, 10 बंदे एक्स्ट्रा आ गए, फेट जीरो की बात हुई तो। वॉच ऑर्डर देखेंगे यार, फेट भी देखेंगे पहले। कितने घंटे से कर रहे हैं अपन लाइव स्ट्रीम दिखा? हो गया 1.5 घंटा हो गया होगा। हाँ ज्यादा ज्यादा लंबा नहीं खींचा आज, 1.5 घंटा लंबा नहीं होता, कमी है, हम दो दो खींच देते हैं। ठीक है आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द मेन चैनल, सब्सक्राइब टू एवरीथिंग। बताओ यार, लोग मुझे बिजनेसमैन बुलाते हैं, तुम्हारे कितने चैनल है? पता नहीं, रोज नया खोल देते हैं। खुद के चैनल पता, शाबाश। नहीं नहीं, मेनली तो हम 3 हैंडल कर रहे हैं फिलहाल के लिए, एक न्यूज़ चैनल है, एक ये वाला है स्ट्रीम्स वगैरह के लिए, एक मेन चैनल है, और बाकी एक हाइलाइट्स के लिए रिसेंटली बनाया, वो हाइलाइट्स और शॉर्ट्स के लिए, वो अभी सिर्फ अंकित देख रहा है उसका, हम लोग हाइलाइट्स वाला बन गया। अच्छा, और मतलब शॉर्ट्स उस पे कितने दिनों में वीडियो आएगी? अरे यही स्ट्रीम से काट देंगे जो तुमने दिखाई आज के एलिमिनाटी वाली, यही काट के डाल देंगे। डाल दो भाई, सैम इज 22। ओए करियो करा, लेकिन कोई कट्टर नारुतो फैन रहेगा वो तो जिंदगी उसकी सीधा ऑफसाइड डाउन। कोई कह रहा बादल वॉच स्टाइन्स गेट, स्टाइन्स गेट देखा है क्या? देखना यार मुझे, देखो यार क्या होता है ना, एक खत्म हो गया ना, मैं सोचता हूँ अगला कौन सा देखो, तो उस टाइम पे क्लिक नहीं होता मुझे कि वो देखना है करके, वरना कितने सारे मैंने खत्म कर दिए देख के, मुशोकोटेन से देख लिया, ग्रेट प्रिटेंडर देख लिया, डेविल मैन क्राई भी देख लिया, तो वही देखने का टाइम मिला। साइंस गेट काफी मतलब नहीं बोलते मुझे कहना नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है उसका, बट टॉप में रखे जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा टॉप में, तो जब भी देखना आराम से देखना, खुले दिमाग से देखना, ये नहीं कि हाँ एनिमे लपेट रहे हैं ये भी लपेट लिया, उसको इत्मीनान से देखना, बिजनेस माइंड से मत देखना। अरे नहीं, एनीमे एक्चुअल में ऐसे नहीं देखता मैं, क्योंकि कितने देख लिए पर मैं वीडियो नहीं बनाया उनके ऊपर, वो मुझे खाली टाइम मिलता है ना, क्या करूँ सोचता हूँ तो एनीमे देख लेता, खाली टाइम में मेरे बताओ, जो मुझे कुछ कहीं और घूम के ऐसे स्पेंड करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमको एनीमे की आदत लग गई है। सही है यार, एंजॉय कर रहे हो तो अच्छा है, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। एक बार बंद हुआ YouTube कि हम फिर दुनिया से गायब, देखते हैं, रिस्क है, जॉब पे रख लेना मुझे बस। कौन कौन रख रहा है जॉब पे? तुम TCS में हो ना? मैं छोड़ने की प्लानिंग में हूँ। फिर मुझे जॉब कौन देगा? तो मैं रिक्रूटर थोड़ी ना हूँ, मैं भी कर्मचारी हूँ। हाँ, तो फिर भी HR में छोड़ो, मतलब वही तुम्हारा कुछ तो इन्फ्लुएंस रहेगा ना, कुछ तो लोग सोचते रहेंगे HR में कि हाँ, इतना ही इन्फ्लुएंस है मेरा कि मैं यहाँ पे मेरा इतना इन्फ्लुएंस है यहाँ 4 बंदों को डीमन स्लेयर दिखा दूँ। उससे ज्यादा नहीं। ठीक है चलो आज के लिए रजत सर क्लोजिंग मार्क्स दो, और क्या देना है क्लोजिंग मार्क्स? स्क्रीन लगा दो, कुछ नहीं है, गुड नाइट, शब्बा खैर, कैलाश खैर, आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, आधार सत्कार, सादर नमस्कार। तुम पहले फैन चालू कर लो अब। नहीं हाँ भाई, रंबलिंग रंबलिंग रंबलिंग, इट्स कमिंग। चलो भाई लोग, गुड नाइट एवरीवन, कितने लोग हैं अभी भी वॉचिंग पे? 390 भाई साहब, सब लोग 10-10 रुपए सुपर चैट भेजो। बताओ।
ठीक है, बाय बाय। यार नहीं, 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 बहुत बहुत खराब। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। होता है।